है आपको मंदिर के अंदर में प्रवेश द्वार यहाँ है, यहाँ से चल के नदी के बीच में है आपको ये मंदिर। हरिद्वार जाने के क्रम में आपको धाड़ी देवी का मंदिर है, तो चलिए घुमाते हैं आपको धाड़ी देवी। यहाँ पर देख सकते हैं मेन गेट इसका कुछ इस प्रकार का है, ऊपर से एकदम देखिए ये रहा धाड़ी देवी। नदी में यहाँ से दिखाते हैं आपको मंदिर थोड़ा ऊपर से, ये रहा मंदिर। तो ऊपर से आप टॉप देख लिए, चलते हैं नीचे। यहाँ भी एक मंदिर है आपको, अघोर भैरवाय नमः। और रुकने का व्यवस्था भी अच्छा खासा किया गया है, साइड में यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं। ये रहा बैठने का जगह, यहाँ पर आप आराम से आकर के बैठ सकते हैं। और यहाँ दिखाते हैं मंदिर, पूजा प्रसाद के लिए भी सामान लेना होगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इतना बढ़िया, एकदम घर में टांगने के लिए काफी बढ़िया चिड़िया आर्टिफिशियल। चलिए आगे, ये रहा चप्पल स्टैंड, यहाँ आप चप्पल रख सकते हैं। दिखाते हैं, अरे इधर गाड़ी भी लगाने का अच्छा खासा जगह है। अब यहाँ गाड़ी कैसे आया हो, उधर से उस साइड से वहाँ से गाड़ी आ रहा है। ये दिखाते हैं आपको, वो रास्ता यहाँ तक आ जाता है मंदिर के पास तक। और ये रहा मंदिर, माँ काली एवं भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर। चलिए जय धारी माँ। यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगा हुआ है, पूरे में रात में लाइट वगैरह में दिक्कत नहीं है कोई इसके लिए। और दोनों साइड से घेरा हुआ है जाल से, क्योंकि नदी के बीच में है आपको ये मंदिर, इसलिए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों तरफ से आपको जाल इसमें लगाया गया है। प्रवेश द्वार यहाँ है, यहाँ से चल के दर्शन किया जा सकता है। ये अच्छा खासा भीड़ आपको अभी तो है यहाँ पे। चलिए ये, और यहाँ से आपको दिखाते हैं नदी। ये इधर भी वही, तो पूरा इस पे पानी लेकिन छिटवा देता ना, बड़ा बेजोरी गर्म, अच्छा खासा गर्म। नीचे में कुछ नहीं है आपको, इधर से दिखाते हैं नदी। ये रहा उधर, चूंकि उधर भी गांव बसा हुआ आपको जहाँ भी देखेंगे उस साइड में सब घर बने हुए। ये सब जगह ऐसा घंटी लगाया गया। तो ये है भीड़, और यहाँ से दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर में। तो यहाँ से आप लोग दर्शन कर सकते हैं, और इस टाइप का है यहाँ का शेड बना हुआ, पूरा ओडन का है। ये जो है पूरा लकड़ी का है। और इस साइड यहाँ से भी आ सकते हैं, इधर से दर्शन करना होता है इस गेट से भी यहाँ से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ दिखाते हैं आपको इस साइड में, इधर होता है हवन, हवन कुंड है इधर। अगर परिक्रमा लगाना तो इधर से परिक्रमा लगा सकते हैं। ये है मेन गेट यहाँ का मंदिर का।